हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। सो आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पटवारी के 3 अप्रैल के शिफ्ट 1 के क्वेश्चन का एनालिसिस कराएंगे। तो इसलिए हम जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं आपको, उन सारे क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे से देखेंगे और उनको याद करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए, कौन कौन से नहीं क्वेश्चन आए, ठीक है। और उसके पहले अगर वीडियो को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए, अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ड्रीम जॉब अड्डा से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, चैनल का नाम लिखा हुआ है तो यहाँ पास आप जाएंगे, टेलीग्राम पे जाएंगे और सर्च करेंगे ड्रीम जॉब अड्डा, तो वहाँ पास चैनल आएगा, वहाँ आपको उसके अंदर आपको इसकी वो वीडियो मिल जाएगी, वीडियो भी मिल जाएगी और इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो दोनों को देख सकते हैं, वहाँ भी देख सकते हैं और यूट्यूब में तो मिल ही जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, जल में घुलनशील विटामिन से क्वेश्चन आया था। तो जिन्होंने हमारी कल की वीडियो देखी, 2 अप्रैल की जिन्होंने वीडियो देखी थी अप्रैल की, तो उनसे ये क्वेश्चन कंफर्म बन गया होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कल देखिए कराए थे, कल देखिए विटामिन से क्वेश्चन हमने कराए थे। तो पहला ऊपर ही देख लीजिए, वसा में घुलनशील विटामिन क्या क्या बताए थे, उसके अलावा जो भी विटामिन थे पानी में घुलनशील है। तो जिन्होंने ये वाली वीडियो देखी होगी कल, यानी कि 2 अप्रैल वाली, उनका ये क्वेश्चन कन्फर्म हो गया होगा। तो देखिए, जल में घुलनशील, पानी में घुलनशील, तो एक चीज आपको हमेशा याद रखना, वसा में घुलनशील वाला, वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक है। वसा में जो घुलनशील विटामिन है उनको कैसे याद रखते हैं, एक ट्रिक होती है कीड़ा, कीड़ा की ट्रिक होती है कीड़ा, जैसे KEKEDA, ये 4 विटामिन है जो कि वसा में घुलनशील है। इसके अलावा जितने भी विटामिन है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, जितने भी विटामिन है वो सारे आपके पानी में घुलनशील है, ठीक है। तो इस चीज ये वाली ट्रिक याद रखेंगे तो बाकी आप उसको पानी में घुलनशील वाले को आप देख सकते हैं, ठीक है, घुलनशील। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कथक कहाँ का नृत्य है? देखो, कथक से आया था, कथक कहाँ का नृत्य है? तो एक चीज यहाँ पर 2 पॉइंट हमेशा याद रखिए, जब भी कथक आता है, जब भी कथक आता है तो आप इसके लिए उत्तर लगाएंगे, उत्तर प्रदेश का है ये, उत्तर प्रदेश का। और यहाँ पास एक कथक कली होता है, ठीक है, कथक कली। तो कथक और कथक कली में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ये होता है केरला का होता है, ये होता है केरला। आप देखो कैसे याद करेंगे, देखो कथक कथक दोनों में, इसमें कली, देखो कली जो होगी एक इस दिमाग में रखिएगा, कली जो है खिलती हमेशा, फूल की जो कली खिलती, तो केला जो होगा केले में भी पहले कली आएगी उसके बाद केला बनेगा। तो यहाँ सा केला से आप देख सकते हैं, कली केला को कली से रिलेटेड करेंगे तो ये आपका कंफ्यूजन हमेशा दूर रहेगा, ठीक है, ठीक है। कुछ और आप देख सकते हैं, जैसे भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम ये कहाँ का लोक नृत्य है? भरतनाट्यम है आपका तमिलनाडु का, तमिलनाडु से आपका भरतनाट्यम है। देखिए, जितने भी हम पॉइंट्स बता रहे हैं सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद करके ही जाना है, किसी न किसी शिफ्ट में आने की बहुत ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु हो गया, उसके बाद कुचिपुड़ी, देखिए कुचिपुड़ी जो है आपका ये होता है आंध्रा का, होता आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, ठीक है। कुचिपुड़ी हो गया आपका आंध्र प्रदेश का, उड़ीसा का उड़ीसी ही हो गया, चल लिख ही दे रहा हूँ, उड़ीसा का जो है, उड़ीसा का जो होगा उड़ीसी हो जाएगा, इससे तो नाम से ही आपको पता है, समझ में आ रहा है, उड़ीसा, उड़ीसी, उड़ीसी, उड़ीसी जो होगा उड़ीसा का हो गया। देखिए यहाँ थोड़ा सा आगे वो हो गया उड़ीसा, इधर लिखा, इधर उड़ीसी हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया है तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट है मोहिनीअट्टम, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है मोहिनीअट्टम, एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है मोहिनीअट्टम, ठीक है। मोहिनीअट्टम जो है आपका ये कहाँ का है? ये हो जाएगा आपका केरला का, केरल का, केरल का, ठीक है। इतने पॉइंट्स आपको याद करके रखना है इसमें। देखिए, मौर्य वंश का संस्थापक से क्वेश्चन आया हुआ था, तो आपको मैं इस वीडियो में सारे संस्थापक बता दूंगा, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट जितने भी हो रहे हैं। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ये चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य डायनेस्टी का जो संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है। अगर देखिए इसमें एक क्वेश्चन और बनता था कि मौर्य वंश का अंतिम शासक, मौर्य वंश का अंतिम शासक, मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था ये कौन था? ये था बृहेंद्र, था बृहेंद्र मौर्य था, ये था है, ठीक है, ये मौर्य, ठीक। अब कुछ 5-6 आप लिख सकते हैं, और भी जो वंश हैं इंपॉर्टेंट डायनेस्टी हैं उनके संस्थापक के बारे में लिख सकते हैं, जैसे हर्यक डायनेस्टी, हर्यक वंश जो था इसके संस्थापक कौन थे? हर्यक वंश के संस्थापक नाम आप लिखे बिंबिसार, आप इसको लिख भी सकते हैं, लिखना नहीं तो आप इसकी पीडीएफ एक बार डाउनलोड करके देख लीजिएगा। बिंबिसार होता है हर्यक वंश का,
बिंबिसार हो गया। यही अगर नंद वंश की बात करेंगे, नंद वंश का संस्थापक हो जाएगा महा, इसका लिखे महापद्मनंदा, पद्मनंदा ठीक है, महापद्मनंदा ठीक है। इसके हो जाएंगे नंद वंश के संस्थापक, शुंग वंश के संस्थापक लिए, शुंग वंश, शुंग वंश के जो आपके संस्थापक है ये पुष्यमित्र शुंगा होता, पुष्यमित्र शुंग है ठीक है, पुष्यमित्र शुंग है। शुंग वंश के हो गया सातवाहन ठीक है, सातवाहन के भी आप लिख लीजिए, सातवाहन, सातवाहन का कौन है, श्रीमुख था, सातवाहन का जो संस्थापक था श्रीमुख था ठीक है। एक दो और लिख लीजिए, हालांकि स्पेस नहीं है फिर भी लिखा देखो, कुषाण वंश लिख लीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कुषाण वंश। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे, ये है कुजुल कड़फिस, सॉरी कुजुल लिख लीजिए, कुजुल कड़फिसेस, कड़फिसेस, कुजुल कड़फिसेस था ये, कुषाण वंश के संस्थापक थे ये। अगर राष्ट्रकूट संस्था, राष्ट्रकूट ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक, वंश के संस्थापक आपका दंती वर्मन थे, दंती वर्मन ठीक है, राष्ट्रकूट के आपके संस्थापक हो गए दंती वर्मन ठीक है। देखिए इतने जो आपको मैं संस्थापक बता दिया हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें कोई, सॉरी इनमें कोई भी आपको छोड़ के नहीं जाना है, जितने भी हैं। तो एक दो और अगर छूट रहे तो आप उनके बारे में भी लिख लीजिए, दो तीन और इंपॉर्टेंट है, उसके बाद जितने भी शासक है सारे इंपॉर्टेंट शासक आपके कवर हो गए। जैसे पल्लव वंश ठीक है, यहाँ पास लिख लीजिए पल्लव वंश, पल्लव वंश के आपके संस्थापक कौन है, योगा सिंह वर्मा, सिंह वर्मा जो है आपका, सिंह वर्मा, यहाँ पास स्पेस थोड़ा कम है, सिंह वर्मा पल्लव वंश के हो गया। चोल वंश के, चोल वंश ठीक है, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा, छोटा छोटा लिखे, चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय, थे विजयालय, विजयालय चोल वंश के संस्थापक थे, विजयालय हो गया। एक और आप वंश लिख लीजिए, परमार वंश, परमार वंश ठीक है, चोल हो गया परमार, एक इधर से ऐसे कर देता हूँ, हाँ परमार वंश के संस्थापक आप कृष्णराज लिख लीजिए, ये है कृष्णराज या फिर उपेंद्र, कृष्णराज या पेशवी को उपेंद्र ठीक है। देखिए इतने जो हैं आपके संस्था, इसके अलावा शायद कोई आ जाए कि कौन संस्थापक है तो उसकी बात है, लेकिन इतने ही आएंगे ठीक है। नेक्स्ट ये 16 मात्राएं किसमें में, देखिए ये वाली भी क्वेश्चन हम इसके पहले वाले वीडियो में, हालांकि कल नहीं, इसके एक दिन पहले वाले वीडियो में कराए थे कि सम मात्रिक छंद जो होता उसको कैसे याद कर सकते। तो सम मात्रिक छंद के लिए क्या बताया था, सबसे पहले आप चौपाई लिखेंगे, चौपाई लिखिएगा, उसके बाद आप देखिए चौपाई जो होती, चौपाई का ही 16 होता है, तो चौपाई लिखने के बाद देखिए यहाँ पास आप राधिका लिखेंगे, राधिका, उसके बाद आपको बोला था रोला लिखिएगा ठीक है, उसके बाद कहा गया था गीतिका और उसके बाद हरि गीतिका ठीक है, हरि गीतिका, गीति ये इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपको सम्मात्रिक छंद। अब देखिए राधिका से शुरू करना था, 22 था, उसके बाद दो ऐड हम करते हैं 24 रोला हो जाएगा, फिर उसके बाद दो ऐड करेंगे ये होगा 26 और उसके बाद दो ऐड करेंगे 28, तो ये आपको सीरीज याद हो जाएगी दो दो ऐड करके राधिका से लेके। तो कोई भी अगर गीतिका भी पूछ लेगा तो आप 26 बताएंगे, रोला पूछ लेगा 24, राधिका 22 ठीक है, तो ऐसे आपको इसको याद करना। देखिए राम वृक्ष की रचनाएं क्या है, राम वृक्ष जो है, राम वृक्ष इनको हालांकि बेनीपुरी बोलते हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी की इनकी रचनाओं से क्वेश्चन आया था, तो इनकी रचनाएं आप लिख लीजिए, इनकी पहली रचना थी रजिया, थी रजिया, थी माटी की मूरत, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, माटी की मूर्तें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मूर्तें ठीक है, माटी की मूर्तें थी, जंजीर और दीवारें थी, जंजीर और दीवारें, और जंजीर हो गया और दीवारें हो गया ठीक है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, उसको आप लिखिए मील का पत्थर, मील का पत्थर बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने के चांस है, मील का पत्थर ठीक है, मील का पत्थर बहुत ही है, माटी की मूरत भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है। और एक कर्मवीर भी लिख लीजिएगा, कर्मवीर ठीक है, कर्म, सॉरी चट इधर, कर्मवीर, इतनी रचना इनकी याद कर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गोधूम किसका पर्याय, देखो गोधूम तो ये तो हालांकि बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया था, गोधूम होता है गेहूं का, गोधूम गेहूं को भी इसको तद्भव बोलते हैं ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक क्वेश्चन एल्ड प्लस एल आया था, फिर कंट्रोल प्लस एल आया था, इस चीज में थोड़ा सा कंफ्यूजन है जो बता रहे थे, तो कंट्रोल प्लस एल जो होता है उसको लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए करते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल प्लस ये एल जो होता है अलाइनमेंट के लिए इसको करते हैं ठीक है। अगर एल्ड प्लस एल आया था तो इसका होता है ओपन डेवलप टैब, ओपन करेंगे ओपन डेवलपर
टैब को, डेवलपर टैब को ओपन करने के लिए एल्ट प्लस एल का यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस एल का लेफ्ट अलाइनमेंट करने के लिए, कोई भी जैसे आपका टेक्स्ट है उसको सारे टेक्स्ट को लेफ्ट साइड करने के लिए लेफ्ट अलाइनमेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पास कंट्रोल देखिए दो तीन की और लिखिए, कंट्रोल प्लस एक्स, ठीक है, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस वाई और कंट्रोल प्लस जेड, ये तीनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक्स जो होता है कोई भी सिलेक्टेड पोर्शन को कट करने के लिए, ठीक है, वाई जो होता है रीडो करने के लिए, और जेड जो होता है वो अंडो करने के लिए, ठीक है। इन तीन साइट की को आप याद करके रखिए। एचटीटीपी का फुल फॉर्म देखो, इससे तो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं, तो ये होता है हाइपर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, ये एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है। इसका यूज कहाँ किया जाता है, कोई भी वेब पेज जो ओपन होता है इसके इस्तेमाल किया होकर किया जाता है, वेब सॉरी वेब पेज ओपन करने में इसका इस्तेमाल करते इस्तेमाल होता है, ठीक है। यही एक इससे और रिलेटेड एक क्वेश्चन होता है, एचटीटीपी हो गया, एचटीएमएल, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका होता है हाइपर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, मार्कअप लैंग्वेज। देखिए ये कुछ क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट भी हो सकते हैं, अभी पटवारी कॉन्सेप्टों में क्वेश्चन आते हैं और रिपीट आगे रिपीट भी होते रहते हैं, तो इसलिए हर क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे से देख के जाना है, ठीक है। मार्कअप देखिए एचटीटीपी का यूज वेब पेज ओपन करने के लिए होता है, और इसका यूज जो होता है वो वेब पेज बनाने के लिए होता है, वेब पेज क्रिएट करने के लिए बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। इन दोनों को आप याद करके रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड से संबंधित एक क्वेश्चन आता है कि टाइफाइड जो है वो किससे होता है, ठीक है, टाइफाइड किससे होता है, तो एक चीज को आप लिख लीजिए, देखिए हालांकि इसका जो ऑप्शन होगा दिया रहा होगा, तो टाइफाइड जो होता है साल्मोनेला, देखिए लिख लीजिए काफी बड़ा है ये होता है साल्मोनेला एंटेरिका एंटेरिका साल्मोनेला एंटेरिका सेरोटाइप सेरोटाइप, ठीक है, सेरोटाइप ये एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है, ठीक है, ये एक प्रकार का क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, ठीक है, बैक्टीरिया होता है। तो टाइफाइड जो होता है बैक्टीरिया से होता है, ठीक है, जो हो जो पानी और खाने के माध्यम से ये जो बैक्टीरिया होता है हमारे शरीर में प्रवेश करता है, ठीक है, जिससे बुखार भी आती है, सिर दर्द भी होता है, सिर दर्द और बुखार इसके लक्षण है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है मिल्खा सिंह, तो चलो वो सबको ही आता रहा होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया मिल्खा सिंह किससे संबंधित, तो मिल्खा सिंह जो है एक रेसलर थे, ठीक है, एक भारतीय धावक थे, एक बार रेसलर धावक इसको बोलते हैं। इनका एक और नाम है, उपनाम क्या है मिल्खा सिंह का, उपनाम है इनका, उपनाम लिखे फ्लाइंग सिख नाम से जाना जाता है, फ्लाइंग सिख नाम से इनको जाना जाता है मिल्खा सिंह को, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनता है, ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाने के लिए आपके पास बुझा हुआ चूना होगा, बुझा हुआ चूना CaOH का होल्ट वाइज बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम प्रवाहित करते हैं तो आप हम क्या बन जाएगा CaCO3 प्लस H2O बन जाएगा, ठीक है। देखिए बुझा हुआ चूना यहाँ पास लिखे बुझा चूना हो गया, इसको वैसे बोलते हैं किसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, रासायनिक नाम भी लिख लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब CO2 से हम प्रतिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, ये बन जाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, ठीक है, और वाटर बनता है। बैरोमीटर को क्या नापने के लिए यूज किया, तो बैरोमीटर जो होता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने के लिए किया जाता है, जिसको लिखिए वायुमंडलीय दाब मापने के लिए आप बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। एल्टीमीटर क्या होता है, एल्टीमीटर जो होता है एल्टीट्यूड मापने के लिए किया जाता है, एल्टीट्यूड मेजर करने के लिए करते हैं, ठीक है। एक और अगर लिखना हाइग्रोमीटर भी होता है, देखो हाइग्रोमीटर भी इम्पोर्टेंट है, हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं ह्यूमिडिटी देखने के लिए,
ह्यूमिडिटी देखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक चीज और लिखे पायरोमीटर, पायरोमीटर, पायरोमीटर का क्या यूज करते हैं, देखो हाई टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा अगर ताप होता है तो वहां उसको मेजर करने के लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर। ओके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लाज्मोडियम किस रोग का कारण है। तो प्लाज्मोडियम जो है वो किसके कारण होता है, देखिए एक चीज समझिएगा कि एक जो होता है मच्छर होता है फीमेल एनाफिलीज मच्छर, ठीक है, फीमेल फीमेल एनोफिलीज, फीमेल एनोफिलीज मच्छर होता है, ठीक है, फीमेल एनाफिलीज मच्छर होगा जिससे क्या होता है कि मलेरिया हो जाता है, मलेरिया जिससे होगा आपका मलेरिया हो जाएगा, ठीक है, तो ये इसी इसी रोग से होता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम जो जो होता है ये एक प्रकार का जीवाणु होता है जो कि फिर जो एक प्रकार का जीवाणु हो जाएगा जो कि फीमेल एनोफिलीज मच्छर के द्वारा इंसानों में फैलता है जिससे कि आपका मलेरिया रोग हो जाता है, ठीक है। ये कुछ बीमारी आप लिख सकते हैं कि जो जीवाणु से होने वाली दो चार बीमारियों के आप नाम लिख लीजिए, जैसे निमोनिया हो गया, निमोनिया हो गया आपका जीवाणु से ही होता है, प्लेग हो गया, क्षय रोग हो गया, क्षय रोग हो गया, ठीक है, क्षय रोग ये सब आपका जीवाणु से होता है, ठीक है। यही अगर बात करेंगे वायरस से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग अगर देखना चाहते हैं तो आप लिखिए रेबीज, रेबीज जो होता है वो वायरस से होता है, रेबीज हो गया, यही खसरा रेबीज हुआ, खसरा हो गया, हार्पीज हो गया, हार्पीज हो गया, एक बहुत इंपॉर्टेंट है पोलियो रोग, पोलियो रोग भी आपका विषाणु से ही होता है, एड्स हो गया, एड्स हो गया, चेचक हो गया, चेचक हो गया, ठीक है, और इन्फ्लुएंजा हो गया। इतने रोग जो होते हैं आपके विषाणु से होते हैं। तो जितना भी पॉइंट्स आपको बताया गया इन सारे पॉइंट्स को आप बहुत ही अच्छे तरीके से देख के जाएंगे, क्या पता कि आपका सेकंड से सेकंड मतलब तो सिर्फ चालू हो गया, नेक्स्ट दिन 4 तारीख को भी ये क्वेश्चंस आए। तो चलिए थैंक यू।